गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं? आशा है ईश्वर की कृपा से आप लोगों के सब परिवार और खुद आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वैसे तो ऑर्गेनिक हम लोग फिनिश कर लिए हैं, लेकिन एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किए जो सर इनऑर्गेनिक में, तो देखिए मैं बच्चे के लिए हर समय हाजिर रहता हूँ और बच्चे का जैसा इच्छा वैसा मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का ये उद्देश्य ही है जो आप लोगों को कितना अच्छा से अच्छा शिक्षा दे सकूँ। कभी कभी मैं भावुक हो जाता हूँ जो इतने अच्छे पढ़ाने के बावजूद जो है उतना नहीं लग रहा है जितना होना चाहिए, क्या समझे बात? और लोगों को देखते हैं जो कैपास्टिंग करके बात बना करके अगल बगल में क्या नाम लो, कैसे नाम लो, ये नाम लेना किसी का बेकार है, लेकिन बच्चे को कौन समझाए, क्योंकि पढ़ने वाला तो बहुत ही कम है। ये बात सत्य है, क्योंकि जब मैं क्लास में पूछने लगता हूँ तो 100 में से मुश्किल से एक दो लड़का ही जवाब देता है जो ऑफलाइन क्लास किए होंगे, शायद वाकिफ होंगे। और ये पूछना बच्चे को, यही मेरा डिमेरिट है, सबसे बड़ा मेरा डिमेरिट यही है। यदि मैं शुरुआती से नहीं पूछता तो शायद मैं और आज और कहाँ का कहाँ रहता, इसीलिए। लेकिन मैं अपने फर्ज से वंचित नहीं रहूँगा, चाहे जो हो जाए। तो अब हम आप जो बात किया है इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक में आपको हम मेटलर्जी फिनिश कर दिए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है सो वे भी फिनिश कर दिए हैं। तो बात रही अब थोड़ा सा हम हाइब्रिडाइजेशन अभी बात कर लेते हैं, और शाम में जो है जितने भी इनऑर्गेनिक का रिएक्शन होगा वे रिएक्शन भी आपको दे देंगे। हाँ, यदि और किसी भी टाइप का आपको डिमांड होगा तो आप लोग जो है सो कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट अभी खुलेआम छोड़ दिए हैं। जब अनर्गल बातें करने लगता है तो कमेंट को बहुत बंद कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पढ़ने वाला बच्चा बहुत कम होता है और अननेसेसरी बात करने वाला बच्चा बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आज हम थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ये मत पूछिएगा और न ही जानने का कोशिश कीजिएगा, सिर्फ हम ये बात कर लेते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में हम लोग रूल देख लेते हैं, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का 12th में क्या तरीका है ये देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला काम करें क्या फाइंड करें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सवाल है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे बाबू? टेंशन मत कीजिए, मैं हूँ भी किशोर सर, जो आए उसको लगा देंगे खबर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर इन रोमन, ग्रुप नंबर इन रोमन, इसको भी छोड़ दीजिए, कुछ आप एलिमेंट याद रखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, बस उतना ही। तो एलिमेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, हम लोगों को ये सिर्फ 12th के लिए बात कर रहे हैं, डिटेल से फिर हम कभी बात करेंगे। तो हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, हाइड्रोजन के बाद बेरिलियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बोरान एल्युमिनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, कार्बन सिलिकॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नाइट्रोजन फास्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसके बाद ऑक्सीजन सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और जेनॉन थोड़ा सा जगह नहीं है यहाँ लिख देते हैं, जेनॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 8। तो इतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना है। अब आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तब आगे रूल हम बात करते हैं। यानी इतना ही आप यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखते हैं तो 12th क्या कंपटीशन में भी हम लोगों को 100% हो जाएगा।
ठीक ना बात, अच्छी तरह से समझ लें। तो सबसे पहला काम करें हम लोग जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे उसमें थोड़ा सा नोट में याद रखना होगा आपको। क्या याद रखना होगा? पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज के कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, निगेटिव चार्ज इंक्रीजेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कैसे, टेंशन मत लेना है, मैं आगे बताऊंगा। यदि आप जानते हैं तो स्पीडली स्केप कराते जाएं। तो दूसरा, डिवाइड बाय टू इफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अप टू एट। और तीसरा, डिवाइड बाय एट इफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 to 56। इतना ही में आपका काम सिमट जाएगा। इससे आगे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। चौथा, इफ रिमाइंडर इज ऑब्टेन, रिमाइंडर जानते हैं, सिक्स रिमाइंडर इज ऑब्टेन देन डिवाइड बाय टू, यानी कितना से डिवाइड कर देंगे, टू से। तो चलिए अब देख लेते हैं एग्जांपल। हमको निकालना है CH4 का हाइब्रिडाइजेशन। इस मेथड से जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वे सेंट्रल एलिमेंट का, इसका सेंट्रल एलिमेंट का। लेकिन वे सब बात अभी छोड़िए, जो आपको 12th में पूछ लिया जाएगा, जो बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा CH4 का। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे कितना। तो कार्बन का दिखा दिए है ना 4 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 4 कितना हो गया 8। अब 8 यदि आया तो उसको डिवाइड कितना से करें, 2 से कर दिए, 2 × 8 ये कट गया। अब यदि 4 आ गया, तो यदि 4 आए तो देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन हम कह देंगे कि क्या होगा, sp3। अब ये मत पूछिएगा जो सर क्या 4 आया, कैस क्यों आया, ये सब मत पूछिएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको हम समझा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यदि आपको 2 आ जाए, क्या आ जाए, प्रोडक्ट मिला है ना, प्रोडक्ट, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलिएगा, sp। 3 आ जाए तो sp2, 4 आ जाए तो sp3, 5 आ जाए तो sp3d, 6 आ जाए तो sp3d2 और 7 आ जाए तो sp3d3। हम ये नहीं समझा रहे हैं आपको जो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपको सिर्फ ये बता रहे हैं जो 12th में यदि आ जाए हाइब्रिडाइजेशन तो हम कैसे फाइंड कर लेंगे, और सिर्फ उसी का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। फिर हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए 11th के लिए अपलोड करेंगे। तो नोट कीजिए, पॉज कीजिए, कर लिए, ठीक है, घबराना नहीं है। जो भी आपके पास परेशानी हो आप हमसे शेयर कीजिए, एज पॉसिबल मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं फर्ज से कभी पीछे नहीं हटता हूं। हाँ, कोई बात बनाने वाला लड़का हो तो उसको मार मार के हड्डियां हम तोड़ देते हैं, सो मालूम है कि नहीं। तो चलिए हम देखते हैं AlCl3 का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो क्या कीजिएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। तो एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 3 है ना, प्लस क्लोरीन का 7 × 3 तो 7 या 21,
24 हो गया, अब 24 में आप कितना से भाग दीजिएगा, तो 8 से, तो 8 से 24 है ना, कट गया। अब यदि 3 आया तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, sp2। थोड़ा सा और हम बात कर लें, फिर पहले देख लीजिए NO3 माइनस, अच्छा से समझिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना लिखा है 5, ऑक्सीजन का 6 इंटू 3, तो 18 और 5 23 हो गया। अब यहाँ माइनस है देख रहे हैं, तो यदि माइनस हो तो जोड़ देना है, यानी 23 प्लस 1 कितना हो जाएगा 24, 24 में कितना से भाग दीजिएगा 8 से, 8 से 24 यानी कट गया। देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन क्या कहिएगा बाबू, sp2। क्लियर है, NH4 प्लस, ये घेर दिए, इससे घबराइएगा नहीं। सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें, तो नाइट्रोजन का कितना 5, क्लियर है, 1 × 4 तो कितना 9, 9 में क्या करें, सॉरी आ एक प्लस है तो घटा दीजिए, तो 8 मैं समझे बार, जैसे ही प्लस जितना रहे उतना घटा देना है, तो ये घटा देंगे, तो घटा दे करके 8, अब 2 कितना से, 2 से 2 चौका 8 यानी, तो हाइब्रिडाइजेशन देयरफॉर क्या कह दीजिएगा, sp3। ठीक है, चलिए फिर देख लें pcl5, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस का देख लीजिए आप लोग, तो कितना 5 प्लस 7 × 5, 7 × 5 = 35 और 5 = 40 है ना। अब 40 में कितना से आप भाग दीजिएगा बता दीजिए खटाखट, 8 से 8 × 5 = 40 है ना। अब 5 तो देर फॉर हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, sp3, 3 × 4 = 5, 3 ये 3 है, 1 × 4 = 5, मिल गया ना। फिर से बाबू देख लो, XeF6 फाइंड करना है, XeF6, तो सबसे पहला काम करें हम जो फाइंड कर लें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन का कितना समझाए हैं 8 और 7 × 6 7 × 6 = 42, 42 और 8 = 50, तो 50 में कितना से डिवाइड करें 8 से, तो 8 × 6 = 48 है ना, 6 = 48 रिमाइंडर आ गया ना, तो 2 आई रिमाइंडर यदि आ जाए तो 2, तो 2 से भाग दे देंगे यानी कितने टाइम्स में 1, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 7, तो देयर फॉर हाइब्रिडाइजेशन sp3। अभी तक कितना यूज कर लिए 3 × 1 = 4, अभी कितना बचा हुआ है 3, तो sp3d3। क्लियर है बात, तो वीडियो को पॉज करें, नोट कर लें, बिना टेंशन 12th के लिए हम चुटकी बजाते हैं तो खत्म हो जाएगा, जरूरत है कंपटीशन का, क्या समझे बात, जो कंपटीशन में थोड़ा सा क्या है परेशानी है, तो इसीलिए ऑफलाइन का क्लास स्टार्ट है, ऑर्गेनिक का क्लास जो है सो 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, यदि कोई बच्चा दूसरे जगह पटना के दलाल जो है सो करवा दिया है तो वे आ करके कर सकता है, उसको जितना फी वहाँ पे लगा है ना उस फी को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे और एडमिशन ले लेंगे, मैं समझे बात, यदि कोई दलाली के कारण कहीं दूसरे जगह पकड़ लिया, पहले उसको भड़काया होगा भी कि सो सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, और यदि भी बच्चा मेरे पास पढ़ना चाहता है तो वहाँ जितना उसको फी लग गया, यदि वे आई कार्ड दिखाएगा तो उतना फी हम क्या करेंगे माफ़ कर देंगे, ठीक ना, वो आ सकता है बच्चा, तो थोड़ा सा देखें हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर,
है ना, बॉन्ड एंगल से रखने पड़ेगा। यदि एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो तो स्ट्रक्चर लीनियर होता है बाबू, और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। यदि एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन हो तो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन सॉरी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। एसपी थ्री इसको हम लोग कहते हैं टेट्रा हेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। DSP2 एक है, ये स्क्वायर प्लानर होगा और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। SP3D तो हम लोग कह देंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये 90 डिग्री और ये 120 डिग्री दोनों होता है इसमें। SP3D2 ये कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। SP3D3 तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये रटना पड़ेगा। जैसे आपको हम रट करके बता रहे हैं वैसे ही आपको भी रट लेना है, आप फिर रट के किसी दूसरे को बताना है, यही तो दुनिया चला ही आ रहा है, क्या समझे बात। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें, क्लियर है, ठीक है। यदि पटना में भी किशोर सर के पास किसी को केमिस्ट्री पढ़ने में मन ना लगे तो याद रखना, जो उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ये गपक्कर लड़का है, और समझ गए। इसीलिए हाँ, ये नहीं जो कब केवल जो है मेरे ही पास पढ़ के पास हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वे यदि मेरे पास मन नहीं लग रहा है तो उसको समझना गपे लड़का है, पढ़ने वाला नहीं है, समझ गए बात को। चलिए देखें आप NH3 आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन 12th के लिए। NH3 तो सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, 5+1 × 3 8 हो गया, तो 8 तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अब कैसे भाग दे दिया है बहुत, स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू, हैं? तो टेट्रा हेड्रल, ठीक है। शेप क्या होगा, तो शेप याद रख लीजिए पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल बात करना है तो देखिए ऐसा ये शेप होता है, ये लॉन पेयर हो गया, ये लॉन पेयर, और ये लॉन पेयर पुश करता है, इसीलिए यही है बॉन्ड एंगल, ये दिखाए ना, इसको नाम रख दिया गया है बॉन्ड एंगल। तो ये पुश करने के कारण बॉन्ड एंगल घट जाता है, याद रखिएगा। जो ड्यू टू वन लॉन पेयर 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, यानी यदि हम लोग एक लॉन पेयर कहीं है तो एक्चुअली वास्तव में ये तो थियोरेटिकल हो गया बॉन्ड एंगल जो एसपी थ्री का दिखा रहे हैं, तो एक्चुअल जो बॉन्ड एंगल होगा इसका, एक्चुअल बॉन्ड एंगल जो होगा बाबू ये 107 होना चाहिए, सॉरी 100 कितना, एसपी थ्री में हम लोग देखे हैं ना जो 109.5 डिग्री, एक लॉन पेयर है तो अढ़ाई घटा दीजिए, तो अढ़ाई घटा दीजिएगा तो 0 सेव हैं, यानी 107 डिग्री, रट जाइए। ये क्या नाम है इसका, अमोनिया, क्या नाम है, अमोनिया, ये अमोनिया में बॉन्ड एंगल ऐसा होता है। चलिए एक और देखें जो आपको पूछा जा सकता है, PCl5 ले लेते हैं, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी दिखा दिए हैं हम, क्या दिखा दिए, sp3d, है ना। तो बॉन्ड एंगल हम बताइए, बॉन्ड एंगल भी समझा दिए हैं 90 डिग्री और 120 डिग्री, स्ट्रक्चर समझाइए, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल
बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बॉन्ड एंगल में कोई चेंज क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। यदि आप ऐसा स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये CL, 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 CL इस तरह से है, ये इस तरह का ये है, तो इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, इसीलिए ज्यों का क्यों रहेगा। एक थोड़ा सा CO2 ले लें, CO2 का अब आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते रहिएगा, sp है और स्ट्रक्चर कहें, हाँ इसमें सेप थोड़ा सा समझिए समझिए समझिए। यदि लॉन पेयर ना हो, यदि लॉन पेयर ना हो तो स्ट्रक्चर और सेप ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ भी स्ट्रक्चर और सेप यदि बात करें तो क्या कह देंगे, लीनियर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये जो है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हम फिर तो आज हमको कहीं निकलना है, इसीलिए आप लोगों को इतना ही दे रहे हैं। फिर मैं आज जो है प्रयास करूंगा पूरे का पूरे इनऑर्गेनिक स्पेशल ट्वेल्थ के लिए मैं फिनिश कर दूं। आप टेंशन ना लेंगे। जय हिंद।